और मैंने अपने नबी से वो बात सीखी, और वो बात सीख क्या थी कि दामा युरीबक इला माला युरीबक, जिसमें तुम्हें शक हो उसको छोड़ दो और जिसमें तुम्हें कोई शक ना हो उसको ले लो। एक शख्स आया अल्लाह के नबी के पास, उसने कहा अल्लाह के नबी ये चीज़ है, मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं ले लूँ या ना ले लूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस्तफ्ते या नफ्स, अपने नफ्स से पूछ, अपने ज़मीर से पूछ ये तेरे लिए हलाल है कि हराम। तेरा ज़मीर सबसे बड़ा मुफ्ती है, सबसे बड़ा मुफ्तियों से फतवे लेने जाते हो, अपने ज़मीर से पूछो कि ये हलाल है कि हराम। रब्बे ज़ुलजलाल की कसम है इंशाअल्लाह अगर ईमान है तो तुम्हारा ज़मीर तुम्हें खुद फतवा बतला देगा। सबसे बड़ा मुफ्ती तुम्हारा दिल है, जो तुम्हारे दिल के अंदर बैठा हुआ है। तो मेरे अजीज, हराम कमाइयों से बचोगे, अपनी तजारतों को बचाओगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा, सिर्फ दुनिया के अंदर एक अमानतदार सच्चा पक्का ताजिर कामयाब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि सच्चा पक्का मोमिन ताजिर कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने हश्र होगा उसका, तो किसके साथ होगा? नबियों, सिद्दीकीन और शहदा की सफ़ों में उसे उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये मकाम है किसका? तिजारत और बिजनेस करने वाले का। और इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया हफ्ते उबैद इब्न रफा, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं ये हदीस, तिर्मिजी की, कहते हैं कि तुजारुन यौमल क़ियामा फुज्जारन, बहुत सारे ऐसे तिजारत करने वाले क़ियामत के दिन फासिक व फाजर और बदकारों की सफ़ों में खड़े किए जाएंगे। इल्ला मन तका व बर्रा व सदक, मगर वो ताजर जिसने नेकी अख्तियार की, सच्चाई और भलाई और खैर के साथ अपनी तजारत की, उसका हशर सिद्दीकीन और शोहदा के साथ होगा। मेरे अजीजो, ये चंद तजारत की फजीलतें थीं। अब आइए मैं आपको चंद नाजायज़ और हराम चीज़ों के बारे में और वो ज़राए आमदनी जो हमारे माहौल में चल रही हैं, हमारे मुल्कों में जो हराम हैं, उनकी तरफ निशानदेही मुख्तसर तौर पे करके अपनी बात में ख़त्म करूं। शराब, गांजे, भंग की दुकानें कायम करना, शराब नोशी और इसके लिए जो है क्या कहते हैं दुकानें, और इसके लिए जो भी तरीक़े हैं शराब बेचने की दुकानें कायम करना, बनाना, इसी सिलसिले में जुआ है, सट्टा है, इसी तरह से कुमारबाजी है, और इसी किस्म के अंदर लाटरी भी है। इस ज़रिए से जो माल कमाया जा रहा है वो भी हराम, शराब पीने के ज़रिए से वो भी हराम, इसी तरह सट्टे और जुए से जो माल कमाया जा रहा है वो भी हराम। मुअम्माबाजी आजकल चल रही है अखबारों में, पर्चों में, मुअम्मे हल करो इतने इनाम मिलेंगे, इस ज़रिए से जो माल कमाया जा रहा है ये भी हराम है। इसी तरह से रिफ़ल टिकट भी चलती है, ये भी हराम है। रेस कोर्स के ज़रिए से जो पैसे कमाए जा रहे हैं ये भी हराम है। बीमा पॉलिसी, ये भी हराम है। इसी तरह इनामी बांड्स वगैरह जो निकलते हैं बना लेते हैं, ये भी हराम है। इसी तरह बुत फरोशी, बुत बेचना, तस्वीरें बेचना, ये भी हराम है। इसी तरह फोटोग्राफी वगैरह जो होती है और उसकी तजारतें जो लोग करते हैं और बिला ज़रूरतें जो फ़ोटो बनाते और करते हैं, ये भी हराम है। इसी तरह से पेशीन गोई करने वाले, यानी ये लोग जो कहानतें निकालते हैं, फाल निकालते हैं, लकीरें खींच कर जो मुकद्दर बताते हैं, या मशीनें ले लेकर के खड़े होकर के कानों में कहते हैं तुम्हारा मुस्तकबिल बतला रहा है, तुम क्या करोगे, मुकदमे में जीतोगे कि हारोगे, या तोते ले लेकर के सड़कों पे बैठे हैं, या पर्चियां ले लेकर के, या हाथ ले लेकर के गैब के दावे कर रहे हैं। इसी तरह से इल्म नजूम के तरीके से, इसी तरह कहानत के तरीके से, इल्म जफर और रमली और लकीरें और ये तमाम सब फालगिरी, ये तमाम की तमाम सब तरीकों से जो माल कमाया जाएगा ये काम भी हराम है, और ये माल इस जरिए से कमाना भी हराम है। इसी तरह से फुहाशी के तमाम कारोबार, मसलन कोहबागरी यानी चकले बनवाना, रंडी और तवायफों के लाइसेंस और रंडियों तवायफों की दादागिरी करना, दलाली करना, और उनके लिए बाकायदे बिल्डिंगें देना और उनके लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए ये तमाम सब करना, इसी तरह साज और बाज और गाने और बजाने की चीज़ें अपनी दुकानों के अंदर बेचना, इसी तरह सिनेमा घर बनवाना और उसकी कमाई, इसी तरह से फोहश लिटरेचर छापना और उसके ज़रिए से माल कमाना, इसी तरह मॉडलिंग करना, आजकल मॉडलिंग का भी दौरा चल रहा है, मॉडलिंग करना, इसी तरह से इश्तहारात के लिए हसीन और ख़ूबसूरत लड़कियों के लिए लड़कियाँ बुला बुला करके अपने माल को जो है 2% का
माल है और नंगी लड़कियां फोहाशियों के जरिए से उनका एडवर्टाइज करवाई जाती है, ये भी इस जरिए से जो माल आ रहा है ये भी हराम है। इसी तरह हमारे यहाँ जो ये कंजड़े खुसरे रंडियाँ तवायफें हैं, इनको जो आज स्टार का नाम दिया गया है कि ये सितारे हैं फलानी जगह के, ये खंजड़े खुसरे खैरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खैरत। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाती हैं कौमों के ज़मीर, कि गुलामी में बदल जाते हैं कौमों के ज़मीर। हमारे ज़मीर इस तरह बदल गए कि जो नापाक और नजिस और कौमों के रजील खंजड़े खुसरे थे उनको आज स्टार का नाम देकर हमने हीरो हीरोइनों का नाम दे दे करके उनकी, और आज हमारे घरों के अंदर बाकायदे उस जरिए से भी माल कमाया जा रहा है, मुसलमान हैं लेकिन ये तमाम सब काम कर रहे हैं, ये जरिए भी सरासर हराम है। इसी तरह से नाइट क्लबों के जरिए से माल कमाना ये भी हराम है, ये इसी तरह बियर बार बनवाना ये भी हराम है, इसी तरह इश्तिहारबाजी, इसी तरह सेल्समैनी के तौर पर औरतों को इस्तेमाल करना, या जो औरतें सेल्समैन गर्ल बन बन करके काल गर्ल सेल्समैन और न जाने होटलों पर और ऑफिस सिक्रेटरी और न जाने क्या क्या बेहयाई और फहाशी करवा कर जो माल कमाती हैं इस जरिए से भी माल कमाना यह सरासर हराम है। इसी तरह वीडियो और ऑडियो की कैसेटें जो गाने और गाने बजाने के हैं इनकी तजारत करना यह भी हराम है। इसी तरह रेडियो और टीवी और कंप्यूटर और इसी तरह से इसके जरिए से जो हराम कारी के लिए कर्ज किए जा रहे हैं ये तरीके से माल कमाना और इसको भी करना यह भी हराम है। इसी तरह रक्स और सुरूद नाच और गाने और साज और बाजे को ये सकाफत और कल्चर का नाम देना और उसके जरिए से मुकाबले करवाना यह भी हराम है, और जरिए से पैसे कमाना यह भी हराम है। इसी तरह से रागो रंग की महफिलें मुकर्रर करके और उससे पैसे कमाना यह भी हराम है। इसी तरह मुकाबले हुसन आजकल चल रहा है इंटरनेशनल पैमाने पर और मुल्की पैमाने पर और इस जरिए से जो माल कमाया जा रहा है यह भी हराम है। इसी तरह से हॉकी और क्रिकेट और फुटबॉल इसके जरिए से जो पैसे कमाए जा रहे हैं यह भी सरासर इस्लाम के अंदर हराम है। और बजाते खुद ये हॉकी और ये जो क्रिकेट वगैरह जो आज हमारे यहां भूत सवार है लोगों के जहनों दिमाग पर, और एक मुसलमान जो इसके अंदर शामिल है यकीन माने आजकल तो उम्मत को गुमराह करने के लिए जुमे के दिन ही बिलखसूस यह चीज खास इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट रखे जाते हैं मुकाबले के लिए। अब बताएं ना असर है ना मगरिब है ना जोहर है ना जुमा है, जो बंदा क्रीज के ऊपर खड़ा हुआ है जब तक वो आउट नहीं होगा, जब तक पवेलियन की तरफ नहीं जाएगा तब तक वो नमाज की तो सोच भी नहीं सकता है कि नहीं है। और जो लोग बैठ के देख रहे हैं अब यक्का मार रहा है, दुक्का मार रहा है, तिक्का मार रहा है, छक्के मार रहे हैं, किस अट्ठे मार रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने उसके में मस्त है ना नमाज ना रोजा, ये तमाम सब जो लहो लईब हैं और अल्लाह का जिक्र छोड़ करके किए जा रहे हैं ये तमाम की तमाम सब चीज़ें हराम हैं। इसी तरह से ये और इसके अलावा भी जो चीज़ें आज मुल्कों के अंदर नए नए तरीक़ों से राइज हैं मेरे अजीज़ों, ये तमाम की तमाम ज़राए जो इख्तियार किए जा रहे हैं ये भी हराम है। इसी तरह हराम और मुर्दा जानवरों की खरीदो फरोख ये भी हराम है। इसी तरह खंजीर और कुत्ते बिल्ली की खरीदो फरोख ये भी हराम है। इसी तरह मुर्दार की चर्बियां बेचना ये भी हराम है। इसी तरह जायद और जायद पानी है और घास है ये तमाम जायद हैं लेकिन उनको बेचना ये भी इस्लाम के अंदर हराम और नाजायज है। पानी जमा है, पानी अल्लाह का है और जा रहा है लेकिन आदमी ने बाउंड्री खींच कर बेचने के नाम पर लगा लिया, हम बेचेंगे हम पैसे लेंगे, ठीक है अगर आपने उसको ख़रीदा है। म्यूनसिपल्टी का मिसाल के तौर पर पानी आता है तो वो म्यूनसिपल्टी उसका टैक्स लेती है, यकीनन वो जायज़ है, क्यों, वो फिल्टर करके और आपके घर तक वो म्यूनसिपल्टी पहुँचाती है, लेकिन जो समंदर और दरियाओं के पानी है उसमें आदमी उसको तकसीम करे ये तमाम सब चीजें हराम है। इसी तरह घास भूस है अल्लाह ने उगाए हैं ये इसको बेचे ये भी अपने लिए अगर उसने अपनी मेहनत की है और उसमें ट्यूबवेल लगवाकर और खुद उसने किया है तो यकीनन उसमें कोई हर्ज नहीं, वो तजारत कर सकता है, लेकिन जो जायद घास भूस अल्लाह की जमीनों पर उगे हुए हैं उसकी खरीदो फरोख्त करे वो भी हराम है। इसी तरह से बकरे पालते हैं बाज लोग, सांड पालते हैं और उससे जुफ्ती करवाते हैं बकरियों से और उसके लिए भी पैसे लेते हैं 2,000-5,000 आला नस्ल का घोड़ा और ये इसकी भी कमाई सरासर इस्लाम के अंदर हराम है। तो मेरे अजीजों और इसी तरह से जो माल आपकी मिल्कियत में नहीं है उसको बेचना और उसको खरीदो फरोख्त करना ये भी इस्लाम के अंदर हराम है। इसी तरह मुसलमान की बय पर दूसरी बय लगाना, एक मुसलमान ने ये माल खरीद रहा है, एक मुसलमान आप पहुंचे बड़े जोश में, आपने भी अभी वो बेचारे का फाइनल नहीं हुआ आपने भी उसके ऊपर अपनी खरीदारी लगा दी तो यह हराम है। हो सकता है वो 10 रुपये में ले ले, आप पहुंच आपने 15 की कीमत लगा ली तो ये इस तरह से ये हराम चीज है। और मेरे अजीज ये हराम की फिरिस्त है। इसी तरह से माल को बिजनेस के नाम पर, तजारत के नाम पर स्टॉक करना, जखीरा अंदोजी जिसको कहते हैं, माल जमा कर लिया
पूरा माल मार्केट से उठाकर आजकल जो है कोल्ड स्टोरों के अंदर टमाटर रख लिए, बैगन रख लिए, प्याज रख लिए और इस तरह से सोच लिया कि जब मार्केट से प्याज खत्म हो जाएगा तो बाद में हम इसको सप्लाई करेंगे, तो फिर 20-40 रुपए किलो प्याज बिक रही है। हमारे मुल्कों के अंदर एक दौर आया था, इन खबीस ताजरों ने क्या किया था, बनियों ने पूरा स्टॉक कर लिया और पूरा जखीरा अंदोजी कर ली और जब देखा कि प्याज की अब कमी हो गई खलास तो 40-40 रुपए 150-150 रुपए 200-200 रुपए में प्याजों को नौजबिल्ला बेचा है। तो इस तरह से ये स्टॉक करना खाने पीने की चीज़ों को, दाल को, चावल को, खाने पीने की चीज़ों को स्टॉक करके और मार्केट में महंगा करके पब्लिक में बेचना, ये भी इस्लाम इसको हराम करार बताता है। लेकिन इन फासिक फाजर जो आज हमारे मुल्कों पे हुक्मरानी कर रहे हैं, इन जलील चोरों को कौन बतलाए, इन डाकुओं को कौन बतलाए, जो कहते हैं हम गरीबी मिटाएंगे गरीबी मिटाएंगे, जलील आज तक तो गरीबी न मिटी, गरीब जरूर मिट गए। ये खबीस गरीबों को मिटाने आते हैं, गरीबी मिटाने नहीं, गरीबी नहीं मिटाते हैं। अरे इस्लाम लाओ, इस्लाम, इस्लाम का निजाम अपने मुल्कों के अंदर बरपा करो, इस्लाम देखो किस तरह गरीबी मिटाता है और किस तरह बहीखाही, हमदर्दी, उल्फत, उखुवत और मोहब्बत का दर्स देता है। लेकिन इन काफिरों के, इन जलीलों के आंखों में और हमारे मुल्क जो अपने आप को इस्लामी कहते हैं, ये हमारे चारों तरफ जो हैं ये भी अपने आप को इस्लामी, इन जलीलों को भी कोई समझाए कि इस्लामी कानून नाफिज करो, देखो अल्लाह तबारक ताला किस तरह से अमन और शांति दुनिया के अंदर करेगा। लेकिन नहीं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, ये इस्लाम से दूर भागते हैं, तो अल्लाह ने भी इन्हें दुनिया के अंदर जलील किया हुआ है, जलील किया हुआ है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ये निजाम हमारे मुल्कों के अंदर कायम करने की हम मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। और याद रखो, सबसे पहला मुस्लिम कंट्री, सबसे पहली मुस्लिम हुकूमत हमें और तुम्हें अपने दिलों में कायम करना पड़ेगी, अपने दिलों में कायम करो। रब्बे जुलजलाल इन दिलों से निकाल कर इस जमीन पर तुम्हें यह मुल्क अता फरमा देगा। याद रखो, तेरा दिल तो है सनमाशना, मैं कभी जो सर बस सजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, जो मैं सर बस सजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हाँ, इस्लाम कोई परिंदा तोता नहीं है कि लाके कुर्सी पे बिठा दिया, एहतजाज करके मुजाहरे करके इस्लाम लाओगे इलेक्शन करके? इलेक्शन तो खुद खबीस चीज है, ये तो खुद इस्लाम के अंदर हराम है, जमहूरियत तो खुद हराम है इस्लाम के अंदर। इलेक्शन लड़ करके तुम इस्लाम लाओगे? इस्लाम ऐसे नहीं आता है, इस्लाम कुरान और सुन्नत और तलवार की जोर पे लाओ अगर लाना है तो, जिस तरह इस ममलकत सऊदी अरबिया के अंदर अल्लाह के फजल करम से इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, इसी तरह इस्लाम आएगा। और इस्लाम के अंदर जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत के की बुराइयां और उसकी हलाकतें हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, हर बड़ी मछली छोटी मछली को हड़प कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है, यह है इस्लाम की खराबी। और इस्लाम में तो खैर जमहूरियत है ही नहीं, ये तो ऐसे ही हुआ शराब की भट्टी पर इस्लामी शराब की दुकान रख दो, हैं जिनाकारी कोहबागरी के चकलों के साइन बोर्ड लगाओ इस्लामी जिनाकारी, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसे ही है इस्लामी जमहूरी, जमहूरी इस्लाम नहीं है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। ज़खीरा अंदोजी इसी तरह कंट्रोल किया जाता है, इस्लाम के अंदर खुल्लम खुल्ला तजारत का हुक्म है, इसी तरह सट्टाबाजी, ब्लैक मार्केटिंग, ये तमाम सब आज हमारे मुल्कों के अंदर खुले तौर के ऊपर चल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल जालिब मरजूकुन वल मुहतरकरु मलऊनन, जो बाजार में अपने सामान को ला करके बेचता है अल्लाह उसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजियाँ अता फरमाता है, लेकिन जो लोग मालों को अपने घरों में स्टॉक कर लेते हैं और ज़खीरा अंदोजी कर लेते हैं और उसे मार्केट में पकड़ के रखते हैं नहीं लाते हैं, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसे लोग मलऊन हैं, अल्लाह की रहमत से धिक्कारे हुए लोग हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के बंदों पर ये सख्ती कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों पर ये सख्ती कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, इस तरह ये सट्टाबाजी वगैरह के जरिए से जो कुछ गवर्नमेंटों में होता है, कंट्रोल जो गवर्नमेंटों के अंदर होता है, वो ये गवर्नमेंटें कंट्रोल करती हैं और कुछ बड़ी बड़ी पार्टियां कंट्रोल करती हैं, इसी तरह हमारे मुल्कों में कस्टम और ये चुंगी और टैक्स
और इसी तरह से इस मुगलिंग का जो मामला है, ये मसला भी बड़ा काफ़ी हसास है। मैं तिजारत के ताल्लुक से मैं इसको भी बतलाता चलूँ, इस्लाम के अंदर ना कोई चुंगी है और ना ही कोई टैक्स है, ना कोई फैक्स है। इस्लाम खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया में आज़ादी के साथ बिजनेस और तिजारत करने का हुक्म देता है, पूरी दुनिया में चाहे जहाँ रहो। ना टैक्स है, ना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। और ये जो गवर्नमेंटें टैक्स लगाती हैं, ये हराम का टैक्स लगाती हैं, ये इनका क्या है भाई? हमने कमाया है, हमने दुकान रखी है, हम दुकान को बाकायदे हम अपनी मेहनत से खरीदते हैं, बेचते हैं, आते हैं, टैक्स दो। भीख भिखारी ये चोर टैक्स ले लेकर के अपने घर भरते हैं, मजदूर टैक्स ले लेकर के। इसी तरह से